हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो कमेंट में? अरे तो आज जो है डाउट पूछ लो अपने टाइम एंड वर्क के, वरना उसके बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू करेंगे। बताओ भाई, कल परसों तरसों एक ही पीडीएफ है, वो मैंने डाल दी थी। ठीक है विपुल जी, हमारे घर में आज जो है बालक आशिकाना माहौल किए हुए हैं। 2 साल का बालक है, तेरे वास्ते सुनना चाहता है। पता नहीं, मैंने पूछा किसके लिए चांद सितारे लेके जाएगा, नाम नहीं बता रहा, ब्लस कर रहा बस। दो आदमी और तीन लड़के, दो आदमी और तीन लड़के, के काम को कर रहे हैं 8 दिन में। बताना क्या है इसमें अभिषेक? देखो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, दो आदमी तीन लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, तीन आदमी दो लड़के 8 दिन में कर सकते हैं। आपको बताना है दो आदमी और एक लड़का कितने दिन में करेगा। सब बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, करो। दो आदमी तीन लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, तीन आदमी दो लड़के 8 दिन में, तो दो आदमी एक लड़का कितने दिन में करेंगे? सब लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मैंने लिखी इस अंदाज में दिया है कि तुम्हें सवाल करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मोहम्मद इस्माइल आलम पूछ रहा कौन से चैप्टर का ये उसका क्वेश्चन है, क्या कहते हैं रेशियो का। रीना कुमारी जी कह रहे डिटेल में पढ़ाइए, वैसे नहीं समझ आता, शुरू करवा देंगे मुझे थोड़ी बहुत देर में। प्यारी रीना कुमारी, चैप्टर 4-5 दिन पढ़ा चुके हैं डिटेल में, अब बच्चों के डाउट ले रहे हैं, ठीक है? भाई कुछ का आंसर 6 आया है, कुछ का 12.5 आया है, ट्राई कर लो। मोहम्मद इस्माइल आलम कहते हैं आज अच्छे से समझाइएगा। मोहम्मद इस्माइल आलम जी, 2-3 दिन पहले आप कह रहे थे अच्छे से मत समझाइए, फटाफट अपना समझाइए। मैं थोड़ी बहुत देर में आफत मचेगी तो बाहर करना शुरू कर दूंगा, पर बालक है, फीस दे रखी है। मेरा इतना, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता मैं तभी कदम उठाता हूं। ये देखो इसे काट लेते हैं, ये बन गया आपका पंज, ये बन गया आपका 4, गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 आदमी, 5 तिया 15 लड़के, 4 तिया 12 आदमी,
और भैया 8 लड़के, 10 आदमी 15 लड़के, 12 आदमी 8 लड़के बराबर है। तो आप इसे माइनस जब करेंगे तो 2 आदमी जो हैं 7 लड़कों के बराबर हैं, आदमी और लड़का का क्षमता का अनुपात जो है वो 7:2 आ गया। ठीक है, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। यहां से हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए, एक लड़का एक औरत एक आदमी बच्चे, यू लिखना है आपको, उनकी क्षमता का अनुपात ढूंढ लेना है क्या है। आदमी करे तो 7 काम करेगा, लड़का करे तो 2 काम करेगा। अब भैया जी काम को हमें करवाना है इस ग्रुप से, काम को करवाना है इस ग्रुप से। काम क्या है? काम आप इन दोनों में से कोई सा भी उठा लो, वही काम है। आप या तो ये वाला उठा लो कि 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में कर रहे थे, या ये वाला उठा लो 8 दिन वाला ग्रुप। तो कौन सा उठाए? ये वाला उठा लेते हैं। चलो देखो, 7 आदमी अगर करते तो 7 या 21, लड़के 2 करते तो 2 दूनी 4 21 और 4 25, 25 अट्ठे 200 होता है, कितना हो गया 200। काम हमारा 200 है, इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो। इस 200 काम को करवाना किससे? 2 आदमी 1 लड़के से हमें इस काम को करवाना है। 2 आदमी कितना काम करेंगे? 7 दुनी 14 और 1 16, तो 200/16 आ गया। आप जब इसे काटेंगे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई यही है वो जिसे गाने सुनने होते तेरे वास्ते। कौन सा गाना सुनोगे? अम्मू तेरे वास्ते कहाँ पे सुनोगे? ये का तो बोर्ड है, इस पे पापा ने लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है। ये देखो सामने देखो, नमस्ते कर दो सबको, कर दो नमस्ते कर दो। शर्म आ गया भाई, और वैसे भी दर कुछ है थोड़े, दिख थोड़े रहा है। जा गेट बंद कर दो, कर दो कर दो, गेट बंद कर दो। तो 200 को 16 से भाग करो, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा भाई 16 एकम 16, वही 12:30 आंसर आ जाएगा। हाँ घर में बस पूछो मत, दो दो बालक है आफत मचा के रखते हैं। नहीं थे सुनील, माँ पे मांग रहे हैं उस चीज के लिए। हाँ मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल मेरे जैसा है, तुमने इनकी माँ नहीं देखी। समझ आ गया भाई, और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ, बताइए किसी का कोई और डाउट। माँ के नाम पे दुखी रिएक्शन, इसलिए घर में 2 लड़के हुए, दोनों माँ पे चले गए। डाउट? हाँ मोहम्मद इस्माइल आलम जी, डाउट पूछिए, आप ही के डाउट के लिए तो बैठे हैं। देखो कोई डाउट पूछ, 200 कैसे आया? नुसरत प्रवीण जी कल भी हमने ऐसे सवाल किए थे, 2 आदमी 3 लड़के 10 दिन में कर लें, यही तो काम होता है। ठीक है, 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन में कर दें, यही तो काम है। तो हमने एम और बी की वैल्यू यहां रख दी है। जैसे 7 को मैं 2 के साथ रखू, भाई 2 आदमी काम कर रहे, 1 7 किलोमीटर सड़क बनाएगा, तो दोनों 2 7 2 × 7 14 किलोमीटर, यहां 2 रखो, 3 × 2 कितना आ गया? यहां से 14, यहां से 6 20 आ गया। 20 किलोमीटर सड़क ये ग्रुप रोजाना बना सकता है, 10 दिनों तक अगर ये बनाएगा तो 200 किलोमीटर सड़क बना देंगे। तो काम ये है। देखो अब सारी चीजों को इंटरलिंक करते हैं, पूरी
पूरे चैप्टर को, आप कोई भी पढ़ाया गया मेथड कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए, सवाल आता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। इसे भी आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, बस मैंने वो अप्रोच वहां यूज की है जो सबसे ज्यादा आसान होती है। जैसे ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, क्या यहां से आपको ए और बी का अनुपात नहीं मिल जाएगा क्षमता का, 15/10 आ गया, ठीक है। या इसे काट के लिखना चाहो तो आप 3/2 लिख सकते हैं, ए की क्षमता 3, बी की 2। अब कोई हमें कह रहा है काम को जो है आप इन दोनों से मिलकर करवाइए, ए और बी से, तो भाई काम क्या है? काम तो ये है जो ए 10 दिन में कर दे वो काम है, ए तो रोजाना 3 करता है, 3 × 10 = 30 आ गया काम, तो इधर से नहीं निकाल सकते, इधर से निकाल लो। जो काम बी करे 15 दिन में वही तो काम है, तो बी तो रोजाना 2 करता है, तो 2 किलोमीटर सड़क रोजाना बनाएगा, 15 दिन में 30 बनाएगा, तो या तो काम इधर से निकाल लो या इधर से। अब इन दोनों से करवाना है आपको, ए की क्षमता 3, इसकी 2, 5 आ गया आंसर, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। तो कल भी एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि हर जगह तो अलग पढ़ाया, सारी जगह तो अलग पढ़ाया, कुछ अलग नहीं पढ़ाया, सब क्वेश्चन में बेस हमारा एक ही है, हम एफिशिएंसी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें उतनी जल्दी वो चीजें समझ नहीं आएंगी। अभी 14 का आंसर 30 होगा। अरे मोहम्मद इस्माइल आलम जी, आप कोशिश करें और हम गुस्सा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुस्सा तो आप हमें करवा ही दीजिएगा। मनोज कुमार 14 क्वेश्चन कह रहा है पीडीएफ का। राज राजपूत आ जाएगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देर सवेर जब आदमी शुरू करता ही जाती है, तो हम देख लेते हैं सवाल नंबर 14 भाईजान कह रही है। ये वाला सवाल हो जाए। देखो कभी भी ना ये ना सोचो कि ये एग्जाम में नंबर नहीं आएगा, एग्जाम बहुत सारे हैं, आप हमेशा हर एग्जाम के लिए अलग से तैयारी करेंगे तो नहीं आएगा कभी भी। आपको एग्जाम्स के लिए शुरू से तैयारी नहीं करनी चाहिए, एक लय में पढ़ के अपने सिलेबस को खत्म करना चाहिए, वो चाहे इस एग्जाम के टाइम पे खत्म हो चाहे अगले के, लेकिन एक बार तसल्ली से पढ़ के सब चीजें खत्म करो। लोग क्या करते हैं, एग्जाम आने पर पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए एग्जाम से एक साल पहले, एग्जाम आने पर तो प्रैक्टिस सेट देने चाहिए, वो आइडियल सिचुएशन होती है। अब इस सवाल को देख लेते हैं, मनोज जी का डाउट है, किसी कार्य को बी 5 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है। आप सब जानते हैं इनकी क्षमता निकालना बड़ा आसान है। समय की बात करूं तो भाई ये 5 दिन कह रहा है, ये 4 दिन कह रहा है। आप एलसीएम लेके करें कि 20 किलोमीटर सड़क बनानी है, उससे आप क्षमता पर पहुंचे, या फिर 5 और 4 को पलट दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 काम करेगा रोजाना, ये 5 काम करेगा, ठीक है। यदि काम को 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो काम एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा? यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, आपको ये लाइन समझनी पड़ेगी। 8 गुना बढ़ा देना और 8 गुना कर देना दोनों अलग होते हैं। जैसे अभी एक बार समझ लो, मेरे पास भाई 10 रुपए है और मैं तुम्हें कहूं 8 गुना कर दो, 8 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा बताइए? अगर आप 10 रुपयों को 8 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
जो जीके वाले सर है वो करंट अफेयर की क्लास ले रहे हैं, बाकी इतना डरने की जरूरत नहीं है। पेपर से एक हफ्ते पहले करंट अफेयर की कुछ पीडीएफ्स दे दूंगा, 250-300 सवालों की। अगर पे आपके पेपर में 5 सवाल आए, 3-4 उसमें से फंस जाएंगे, बाकी कितना भी पढ़ लोगे, रोज करंट अफेयर पढ़ते रहोगे, इतना फायदा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जिनसे बड़ा पोर्शन आने वाला है। तो 80 हो गया जी, बड़ी तगड़ी क्लास है। और अगर मैं कहूं 8 गुना बढ़ा दो, अब आप लोग क्या कहेंगे कितना हो जाएगा? 8 गुना कर दो का अर्थ होता है कि बिकम्स 8 टाइम्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इट बिकम्स 8 टाइम्स, और जब मैं कह रहा हूं इट इंक्रीजेस 8 टाइम्स, यानी वो खुद का 8 गुना बढ़ चुका है। 8 गुना बढ़ा दो, 8 गुना होता कितना है हमने ऊपर भी देखा, 80 होता है। इतना इंक्रीज करो, बढ़ा दो, यानी 90 हो जाएगा। तो इन भाषाओं पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो 8 गुना बढ़ा देने का अर्थ होता है हम 9 गुना कर रहे हैं। कोई चीज एक है तो उसका 8 गुना निकालना है, सिंपल 8 है। लेकिन कोई कहे कि 8 गुना इंक्रीज कर दो, तो 8 गुना को बढ़ाना है यानी एड करना है, तो कितना आ जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में हम मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं 9 से कर रहे होते हैं। तो इस पिछले वाले सवाल में अगर आप देखेंगे, 20 किलोमीटर सड़क है और इससे हमें 9 से गुणा करना पड़ रहा है, ठीक है? काम यही दोनों करेंगे, 4 और 5 मिलके इसकी क्षमता और इसकी क्षमता मिला के 9 है। काम कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा, ठीक है? नीरू शर्मा जी, कोई ग्रुप ग्रुप नहीं है, सीटेट वीटेट का सबका अलग। एक छोटा सा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हो। कुछ नहीं पता भाई, अभी किसी को मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे। सभी लोगों को क्लियर है? मनोज जी कहते हैं 19 नंबर। ऐसे स्टूडेंट होते हैं, देखो इन्हें काम शुरू किया, 4 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया, बी ने 18 दिनों में काम खत्म कर दिया, यानी ए ने 6 दिन के लिए काम किया, काम छोड़ दिया होता तो बी ने बचे हुए काम को 12 दिन में कर दिया होता। दो कंडीशन बन रही है, 4 दिन ए से करवा लो, 18 दिन बी से करवा लो, काम हो जाएगा। अगली कंडीशन बन रही है, 6 दिन ए से करवा लो और 12 दिन बी से करवा लो, काम हो जाएगा। सवाल हो गया आपका मनोज जी। अरे लिंक क्या है, ये नाम लिखा है, सर्च कर लो। नाम भी गलत लिख दिया मैंने, मुझे खुद मेरे टेलीग्राम का नाम नहीं पता। ये शायद ना, हाँ भाई नहीं भी दे। थोड़े से हम जो है अतो मूल्य वाले व्यक्ति हैं, द्वारा नहीं साथ में गणित सीखा जाता है, तो ये मेरी थिंकिंग थी, तो मैंने बाई की जगह विद कर दिया था। सब लोग बाई करते, तो समझ आ गया। सिंपली जो सवाल में लिखा हुआ है वो ऐसे लिख देना है, आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाएगी। मैं इतना कर सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट आपके सामने लिखने की क्षमता बनवा सकता हूं, बस ये कर सकता हूं और कुछ नहीं है। और क्षमता बनने में 15 मिनट लगेंगे पूरे, इसलिए मैं कहता हूं चीजें फास्ट हो सकती है, लेकिन आपके पास कितना समय है, किस चीज के लिए आप सीख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ए की क्षमता 3, बी की 1, जैसे हमने पिछला सवाल किया वैसे ही है। क्लियर है? हाँ देंगे देंगे मनोज जी, देंगे। सर आप ऑफलाइन मैथ्स मैथ्स पढ़ाते हो? नहीं अभी तो नहीं पढ़ाता। बेबी कुमारी सारी पीडीएफ पड़ी हुई है टेलीग्राम ग्रुप में, बाकी जहां मेरी पेडागोजी की क्लास है वहां पड़ी हुई है। अगला डाउट बताओ भाई मनोज जी।
बाकी कुछ बच्चे जो जिन्हें रहता है कि टीचर ट्रिक सिखाए तो देख लो, ए अगर 4 दिन काम करे तो बी को 18 दिन करने पड़ते हैं, ये 4 दिन काम करे तो बी को 18 दिन काम करने पड़ते हैं, और भाई ए 6 दिन काम करे तो बी को 12 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी जादू देखना, देखने के लिए तैयार हो सारे के सारे, आ जाओ। अगर मैं ए के 2 दिन बढ़ाता हूं तो बी के कितने दिन कम हो जा रहे हैं? 6 दिन कम हो जा रहे हैं। देख लो, ए के 2 दिन बढ़ाओगे तो इसके 6 दिन कम हो जाते हैं, यानी इसके 6 के बजाय अगर 12 दिन कम करेंगे, भाई 12 के बजाय 0 दिन करेंगे, हमें तो इससे काम नहीं करवाना, तो ए को कितने दिन लगेंगे? एनालाइज कीजिए, समझिए कि अगर ये 2 दिन बढ़ा रहे हैं, इसके 6 दिन कम कर रहे हैं, सिचुएशन बनी हुई है। अब अगर 12 ही खत्म कर दूं पूरे, तो इसके कितने दिन हमें ऐड करने पड़ेंगे? 6 के लिए 2 करने पड़ते हैं, 12 के लिए हमें 4 ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि कितने दिन में काम करेगा? अगर अकेले ए को काम पे लगा दोगे तो 10 दिन में काम कर देगा। कितने दिन में काम कर देगा? 10 दिन में। दो ऑप्शनों में 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब बी पर आते हैं। भाई जैसे ये वाला समझ आ गया सबको, अब उल्टा सोचो, अगर मैं इसके 2 दिन का फर्क उधर 6 दिन का पड़ता है तो इसके 10 दिन का फर्क उधर कितना पड़ेगा? देखो, 2 3 6 होता है, 10 दिन का उधर कितना फर्क पड़ेगा? आप इसके 10 कम कर रहे हो तो उसके बढ़ाने पड़ेंगे कितने? 30। इधर 2 कम करते हैं, उधर 6 का फर्क पड़ता है, 2 3 6, इसके 10 कम किए तो इधर 30 बढ़ाने पड़ जाएंगे, मतलब इसे 0 कर रहे हो तो इसे 30 दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल दीप्ति जी, आंसर की व्यवस्था कर देंगे यथाशीघ्र। अरिना कुमारी कह रहे मेरे को आ तो आपसे मैथ पढ़ना है, अभी मैं एक बार रीजनिंग खत्म कर दूं ये, फिर उसके बाद मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। और कोई डाउट? एक बच्चे ने शायद नुसरत ने 9वां सवाल में डाउट बताया, देख लेते हैं। अब बताओ देवी अहिल्या बाई जी, ये सवाल तो हमने क्लास में करवाया था अपनी, तो पहले दिन की क्लास देखिएगा, सवाल करवाया हुआ क्लास में। बताओ डाउट डाउट, इतने बच्चे देख रहे हैं, 2 3 डाउट नहीं पूछ रहे, सब मिलके डाउट पूछोगे ना, इतने डाउट हो जाते हैं कि क्लास में बताने मुश्किल हो जाते हैं, और एक दूसरे के डाउट से बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। किसी के कोई डाउट नहीं आ रहा है तो भाई शुरू करेंगे, अब टाइम स्पीड डिस्टेंस शुरू कर देंगे। अच्छा, एक वो होता है ईडियम होता है ब्राउन रीडिंग, सुना है कभी? मुहावरा होता है ईडियम ब्राउन रीडिंग, सुना है किसी ने? इसका मीनिंग पता है? बताओ अंजलि जी, परसेंटेज का कोई डाउट, ब्याज वाला कोई डाउट? ये एक बार चैप्टर रिपीट कर लो, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ब्राउन रीडिंग का मतलब होता है जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा हो सामने बोर्ड पर, ऐसे यहां पर गुरुजी हैं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक बच्चा यहां बैठा हुआ, कई बार क्या होता है मन ही मन कहीं खो जाता है और
बाहर की तरफ या तो देखने लगता है या फिर देख बोर्ड पे रहा है लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। हो जाता था ना जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हम 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए अपने ख्यालों में खोए रहते थे, लेख देख हम बोर्ड ही रहे होते थे या बाहर देखने लग जाते हैं, बाहर कुछ पत्ते वत्ते हिल रहे हैं उसी में देख गए हैं तो उसी में खो गए हैं, तो वो होता ब्राउन रीडिंग। ठीक है, तो सबके साथ होता होगा, अभी भी होता होगा, होता है ना। तब तक हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दी तो बताया ऐसा सवाल मैंने, होता है सभी के साथ होता है। तो जो बीच में मेरा कैमरा बंद होता है ना जबकि मारता है, वो जो तुम जबकि मारते हो ना उसका सिर्फ 1% भी नहीं है, लेकिन हम अपनी ब्राउन रीडिंग को कभी नहीं कोसेंगे। कैमरे ने एक बार जबकि मार दी ना, ओ हो इतने घुसे हुए थे पढ़ने में, आप बंद हुआ है। होता है ऑनलाइन क्लास में भी होता है, कंसंट्रेशन के ऊपर बात होती है। मैंने अभी अभी ऐसा सवाल करवाया, ए किसी काम को 2 दिन में, फिर बी 9 दिन करके खत्म कर देता है, ए 3 दिन करे तो बी ने बचे हुए काम को 6 दिनों में कर दिया। जो भी सवाल मैंने करवाया हूबहू सेम है, ए करता है 2 दिन में, बी करता है 9 दिन में, मतलब माशाल्लाह बात ऐसी है कुल मिला के कि अगर तुम ए का 1 दिन देखो तो बी के 3 दिन के बराबर है, बी के 3 दिन के बराबर है ए का 1 दिन। तो ए के दोनों दिन अगर मैं ए से ना काम करवाऊं और बी से करवाना हो तो 6 दिन करवाना पड़ेगा मुझे। ए का 1 दिन बी के 3 दिन के बराबर है, तो ए के 2 दिन इधर की जाते कितने हो जाएंगे, 6, 9 और 6, 15 दिन। 20 काम को कर सकता है 15 दिन में, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन है बताओ। कुछ क्वेश्चन के बारे में याद है, राज राजपूत जी तरीका कुछ नहीं है, जो हम लड़के और बच्चों वाले सवाल करते हैं वैसे ही है। ए ने 2 दिन काम किया प्लस बी ने 9 दिन काम किया तो काम हुआ, ये हो गया काम। दूसरी तरफ ए 3 दिन काम करे बी 6 दिन काम करे तो काम हो गया। इसे सोल्व करोगे तो 1A = 3B आ जाएगा। ए और बी की क्षमता कितनी आ गई, 3/1 आ गई। अब आप इसे इसमें रखो, काम आ जाएगा, जिससे करवाना हो करवा दो। भारती जी सवाल के बारे में एक दो लाइन बताइए जो आपको याद हो। बता दीजिए क्या डाउट है।
देखो भाई, किसी का कोई डाउट है नहीं, और अब नया चैप्टर शुरू करने का टाइम बचा है नहीं, तो किसी का कोई भी डाउट हो पूछ लो, कैसा भी डाउट हो, कुछ भी समस्या आ रही हो जीवन में, और अन्यथा फिर चलेंगे आगे। इसमें 25/2 आंसर आएगा। प्रतिमा केसरवानी जी ने आंसर दे दिया सवाल का सही, बिल्कुल। अमिताभ 25 दिन करता है अकेले, अमिताभ 5 दिन करे तो बिंदु 20 दिन में करता है, तो बिंदु की जगह अमिताभ करता तो भी तो 20 ही दिन लग रहे होते, तो मतलब अमिताभ और बिंदु की क्षमता बराबर है, दोनों को एक साथ लगाओगे तो आधे समय में कर देंगे 25 का 25.5, नहीं 12.5, 25/2। दीप्ति जी कहती है क्वेश्चन संख्या 7, ये वाला, ए कैन डेवलप 2/5 6 दिनों में, ए किसी कार्य का 2/5 6 दिन में कर देता है, बी किसी कार्य का 1/3 10 दिन में कर देता है। ये सवाल भी शायद हमने क्लास में किया था ये सवाल भी क्लास में। हाँ, टेलीग्राम पे पूछ लेना मन। अच्छा, एक टायर में दो पंचर वाला सवाल, भारती जी गजबी सवाल है वो तो, मतलब उस जितना तगड़ा सवाल नहीं देखा मैंने भी अपनी जिंदगी में। 10 दिन, दो काम हो रहा है 6 दिन में, 2/5, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? ये नीचे जो लिखा हुआ ये पूरा काम है, टोटल काम है। 3 में से 1 काम में 10 दिन लग रहे हैं, तो कुल काम में कितने दिन लगेंगे? 30 दिन। भैया दो काम करने में 6 दिन लग रहे हैं, तो पूरा 5 काम करने में 15 दिन लगेंगे। हो गया सवाल, ए किसी काम को 30 दिन में 15 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, करवा लो आगे। किया था ये सवाल हमने। अब आ जाते हैं, टायर पंचर वाला सवाल है भाई, बहुत ही तगड़ा सवाल है। वो शायद इस वाली पीडीएफ में है नहीं वो सवाल। अच्छा ये रहा, एक टायर में दो पंक्चर होते हैं अकेले, पहले पंक्चर से टायर 9 मिनट में फ्लैट हो जाता है, दूसरे से 6 मिनट में। दो पंक्चर है भाई, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ये 9 मिनट में पूरा टायर खाली कर देगा, ये 6 मिनट में पूरा खाली कर देगा, दोनों एक साथ मिलकर करे तो कितना समय लगेगा? इस जितना मुश्किल सवाल इस पूरी पीडीएफ में नहीं है, बहुत ही शानदार सवाल है। यहां पर क्योंकि पेंचर हुआ है, आदमी नहीं है, पेंचर काम कर रहा है, ठीक है? तो 9 मिनट 6 मिनट भैया, काम मान लेते हैं कि 18 किलो हवा निकालनी है इन्हें, ये 9 मिनट में निकालता है, तो हर मिनट में कितनी निकाल रहा होगा? 3 किलो हवा। ये 6 मिनट में निकाल दे, सॉरी, ये 2 किलो हवा निकाल रहा होगा, 6/18, 3 किलो हवा निकाल रहा होगा। भैया अगर टायर पे दोनों लोग हवा निकालने में लग जाए तो क्या होगा? जो मंजूरे खुदा होगा वही होगा, 18 किलो हवा है, 2 ये निकालेगा 3 ये निकालेगा, टोटल 5 किलो हवा निकलेगी, तो कितनी देर में कर देंगे? कर देंगे जी आपका 5/3 15, 3.6 मिनट में कर देंगे। बहुत मुश्किल सवाल था, बबली कुमारी जी ने जो डाउट पूछा है युगो युगांतर तक याद रखा जाएगा। A 32 B 48 C 96 वाला, रीना कुमारी कह रही है 18 कहां से आया? चैट खोल देता हूं, कम से कम इन्हें से एक दूसरे की चैट दिखे, पता तो रहे।
नहीं समस्या वो नहीं है कि कहां से आया ऐसे वो जानना है। तुम ये सोचो रीना 5वें दिन क्लास में डाउट क्लास में आई है टाइम एंड वर्क की, और आके कह रही है डाउट क्लास में ही डिटेल में पढ़ा दो। और पता क्या होता है, मैं लोगों को रूड क्यों लगता हूँ, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। क्योंकि तुम्हें बाकी के टीचर कैसे करते हैं, मतलब खैर मैथ में ही ये समस्या होती है, बाकी सब चीजों में तो समस्या नहीं होती। मान लिया हिस्ट्री का चैप्टर है, तुम अकबर के जन्म के समय नहीं भी थे, तुम डायरेक्ट जो है उसके समय पे आए हो शाहजहां के, तो भी समझ में आ जाएगा, तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ, एक तो मैथ लिंक करके पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट डे आना ही आना पड़ेगा, दूसरे दिन आना ही आना पड़ेगा, वो चैप्टर तो पढ़ना ही पढ़ना है, हो सकता है पिछले चैप्टर का भी कुछ जुड़ जाए। इसीलिए कहा गया है मैथ्स पेडागोजी में, जब बीएड की फीस दे के घर पे बैठे हुए थे, कि गणित का जो शेप होती है ना, वो टोल होती है, ऊंची बिल्डिंग बनती है। क्यों? क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट पे दूसरा कॉन्सेप्ट यू रख के चलते हैं, एक चीज सिखाते हैं उसी पे दूसरी बनाते हैं। जैसे पहले आपको बचपन में जोड़ना सिखाया होगा, जोड़ने से गुणा करना सिखाया होगा, जब जोड़ना घटाना गुणा करना आ गया होगा तब भाग करना सिखाया होगा। अब आप लोग कह रहे हो कि एलसीएम है 9 और 6 का, मैंने भी तुम्हें ऐसे ही पढ़ाया था क्या? 15 मिनट लगी थी ये चीज पढ़ाने में, तुम्हारे माइंड में बैठाने में। लोगों को यही लगता है कि मैथ्स में तुम ऐसे पढ़े हो इस स्टाइल में जैसे तुम अभी पढ़ाने की कोशिश। इसीलिए तो बचपन से हमेशा रिलेट करके पढ़ाओ, कॉन्टेक्स्ट दो उस चीज का। तो जब मैंने शुरू में दिया तो मैंने तुम्हें कहा था मैं कुछ काम मानना पड़ेगा, कुछ काम तो करेंगे, कुछ चीज तो लेके आएंगे कि ये काम कर रहे हैं। अब सिर्फ मैं किसी को बोल दूं कि 18 का महत्व बस इतना ही है कि इनका एलसीएम है, तो रिलेट ही नहीं कर पाएगा कि एलसीएम क्या है, क्यों ले रहे हैं। तो हमेशा चैप्टर को शुरू से पढ़िए, जब आप टीचर भी बन जाएंगे तो हर चीज के पीछे का कारण बताइए, मैथमेटिकल नहीं, रियल लाइफ कारण बताइए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक, मैंने यहां पर 18 किलोमीटर क्यों नहीं माना, किलो माना, क्योंकि हवा को हम वजन में तोल सकते हैं। अब एक बार जो है वो कर लेते हैं, ज्योति जी कह रही है ऐसी संख्या जो दोनों से कटे, ऐसी संख्या नहीं, ऐसा काम, संख्या नहीं है ये काम है। एक बच्चे ने कहा था, एक बीच में सवाल का डाउट आया था मनोज का, ढूंढना पड़ेगा सवाल तो उसे याद नहीं, बस याद है कि कौन कितने दिन में कर रहा है। देखो ये वाला सवाल, आ जाओ मनोज, यही सवाल है कि इससे जस्ट पहले वाला है, ये वाला कि ये वाला, बिल्कुल कुमारी पूजा यादव जी। राज राजपूत को हर डाउट में डाउट है, ये भी बता दो। ए 20 दिन वाला, तो पूरी पीडीएफ खत्म हो जाएगी, कोई डाउट नहीं है। को हाँ देख लिया डाउट, अरे तुम सब डॉक्टर हो, बीएड जैसे एमबीबीएस होती है ना,
बराबर है ये डॉक्टर बनते हैं, ये टीचर बनते हैं, और टीचर क्या होता है, बच्चों का डॉक्टर होता है। कि कुछ चीज क्यों हो रही है, गणित से डर क्यों लग रहा है, गणित समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है, वो सब यहां सिखाया जाता है। और विडंबना ही है कि तुम डॉक्टरी करके, मतलब तुमने दांतों की डॉक्टरी की, तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा है और तुम दांतों के डॉक्टर हो, और पड़ोस की दुकान पे जाके कह रहे हो दांतों के डॉक्टर को, यार शुक्ला जी इस वाली जाड़ में तो बड़ा दर्द हो रहा है, दो पेशेंट बैठे हो अभी छोड़ के आया, उन्हें जल्दी बताओ यार क्या करूं। तो तुम्हें खुद पढ़ाना है शाम को जाके मैथ, या 2 महीने बाद कह रहे हो हमें मैथ नहीं आता। भाई मनोज, इस पीडीएफ का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, वो जो तुम कह रहे हो वो नहीं है। मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, मैं वहां बता दूंगा, ठीक है? इंग्लिश वाला हूं इसलिए प्रैक्टिकल करने के बाद ना एक्सपीरियंस होगा सर, जो लिए उनका क्या, बीएड के दौरान 6 महीने की ट्रेनिंग पे भेजते हैं, वहां जाके पढ़ाना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। बीएड ढंग से कर लेना, आदमी बहुत चीजें सीखता है, ऐसा टीचर बन जाएगा, गजब टीचर। मैंने तो बीएड के एक पोर्शन को सिर्फ समझाया, मैथ्स पेडागोजी को, पढ़ाने के लिए कि पढ़ाते कैसे। अगर तुम सारे पोर्शन को समझो, बच्चे की साइकोलॉजी को समझो, तो छोटे मोटे डॉक्टर ही हो तुम, घूमते फिरते, दुनिया बड़ी बेहतर समझ में आएगी। लेकिन अब हमारे देश की व्यवस्था तुम समझ ही रहे हो, बीएड करके बच्चों को सीटेट की कोचिंग करनी पड़ती है, इससे बुरी तो बात क्या ही होगी। जो 2 साल तुमने पढ़ा है, अब वो तुम किसी दूसरे टीचर को कह रहे हो कि देखो बीएड तो हो गई, अब सीटेट पास करवाओ, वहीं से तुम मतलब एक तरीके से क्या हो जाते हो, अपाहिज हो जाते हो मानसिक रूप से। तो कल शुरू करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है? बीटीसी किया मैंने। अच्छा, बीटीसी वालों को तो फिर बीटीसी में नहीं है सब सिखाते, बीटीसी में तो पीटी वीटी करवाते हैं वो लोग, फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, जिम विम का काम होता है वहां, तो भाई ये थोड़े सिखाते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं है बीटीसी, वहां पर टीचर को ट्रेन नहीं करते, वहां तो पहलवान ट्रेन किए जाते हैं। उसके साथ कर लेते हैं छुट्टी, फिर मिलेंगे किसी क्लास में घूमते फिरते। दीप्ति जी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ज्योति मेरी मजाक को सच मान रही है, मुझे समझा रही है कि नहीं ऐसा नहीं होता सर, वहां भी यही होता है, पता ही नहीं था ज्योति।